नमस्कार, आप देख रहे देशटी न्यूज में आपके साथ मानसी मिश्रा। बिहार के दो सीटों पे राज्यसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन सीटों पे चुनाव के साथ ही राज्यसभा के समीकरण बिहार में बदल जाएंगे। आइए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। बिहार में राज्यसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होना है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उपचुनाव में राजद के उम्मीदवार घोषित है। दूसरी सीट के लिए उम्मीदवार की खोज हो रही है। यह तय होना बाकी है कि दूसरी सीट भाजपा और जदयू में से किसके खाते में जाएगी। मीसा भारती और डॉक्टर विवेक ठाकुर के लोकसभा में चुने जाने के कारण यह रीति हुई है। राज्य ब्यूरो पटना दो सीटों पर उपचुनाव के परिणाम के साथ ही राज्यसभा में बिहार के दलों का समीकरण बदल जाएगा। राजद के सदस्य संख्या में एक की कमी और राजद में एक की वृद्धि होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रूप में राज्यसभा में एक नए दल का प्रवेश होगा। मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उपचुनाव में राजद के उम्मीदवार घोषित है। दूसरी सीट के लिए उम्मीदवार की खोज हो रही है। अभी यह तय होना बाकी है कि दूसरी सीट भाजपा और जदयू में से किसके खाते में जाएगी। वहीं राजद की मीसा भारती और भाजपा के डॉक्टर विवेक ठाकुर के लोकसभा में चुने जाने के कारण यह रीति हुई है। मीसा का कार्यकाल जुलाई 2028 और डॉक्टर ठाकुर का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक है। उपचुनाव में जीते सांसदों को यही कार्यकाल मिलेगा। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार दोनों उपचुनाव अलग अलग होंगे, इसीलिए विपक्ष की जीत की संभावना नहीं है। 14 अगस्त से नामांकन शुरू हो रहा है। अगर उम्मीदवारों की संख्या दो ही रह गई तो चुनाव की स्थिति नहीं बनेगी। तब 27 अगस्त को नाम वापिस के दिन ही राजद के दोनों उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। तीसरे उम्मीदवार की उपस्थिति में 3 सितंबर को मतदान होगा। वहीं बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य निर्वाचित है। इस समय कांग्रेस के एक और राजद के 5 सदस्य है। राजद के घटक दलों भाजपा और जदयू के 4-4 सदस्य हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में भी राजद का घटक है। इस सीट उसके खाते में जाएगी। दूसरी सीट भाजपा को मिले या जदयू, राजद के सदस्यों की संख्या 10 पर पहुंच जाएगी। ऐसी तमाम खबरों से बने रहे देशटी न्यूज के साथ। धन्यवाद।